बधाई हो और इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां आप अपनी उषा स्ट्रेट स्टिच सिलाई मशीन के बारे में जानने योग्य सब कुछ सीख सकेंगे। यह हमारी श्रृंखला की सबसे सरल मशीन है और इसमें मास्टर बनना बहुत आसान है। बस वीडियो को ध्यान से फॉलो करें। हाँ, यह शुरू होने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें कि आप जल्द ही इन पर माहिर हो जाएंगे। चलिए शुरू करें। आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि बॉबिन को कैसे भरें। जैसे मैं कर रही हूँ वैसा करें। हम बॉबिन केस से शुरू करेंगे। स्लाइड प्लेट को खोलें और बॉबिन केस निकाल दें। फिर बॉबिन केस में से बॉबिन को निकाल लें। स्पूल में से धागा खींचें और धागे को बॉबिन वाइंडर टेंशन ब्रैकेट के ऊपर गाइड करें, इस तरह से। बॉबिन वाइंडर स्पिंडल पर बॉबिन दाखिल करें। उसके बाद बॉबिन को पकड़ने के लिए बॉबिन वाइंडर लैच को दबाएं। अपने बाएं हाथ से बैलेंस व्हील को पकड़ते हुए स्टॉप मोशन को ढीला करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यह मशीन को फ्लाई व्हील से डिस्कनेक्ट कर देगा और मशीन शुरू करें। जब बॉबिन पूरी तरह से भर जाए तो यह अपने आप बंद हो जाएगा। धागे को काट लें। भरे हुए बॉबिन को हटा दें और स्टॉप मोशन को टाइट कर दें। अब यहाँ पर इस तरह से बॉबिन केस में बॉबिन रखें और फिर यहाँ सुनिश्चित करें कि धागा घड़ी की दिशा में घूमता है। धागे को बॉबिन के स्लॉट में खींचें, फिर 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच मुक्त धागा छोड़कर टेंशन स्प्रिंग के नीचे और डिलीवरी आई के अंदर धागे को खींचें। जब आता है कि भरे हुए बॉबिन के साथ बॉबिन केस को शटल में कैसे रखें? बॉबिन केस को शटल रेस में सीधा डालें। यह सुनिश्चित करें कि बॉबिन केस स्टॉपर स्लॉट में ठीक तरह से फिक्स हो जाए। बॉबिन केस क्लच को मुक्त करें और बॉबिन केस मजबूती से फिक्स हो जाएगा। अब वास्तविक सिलाई शुरू करने से पहले अंतिम स्टेप, आइए सीखते हैं कि मशीन को थ्रेड कैसे करें। मैं अभी आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले इस तरह से बैलेंस व्हील को अपनी ओर घुमाकर थ्रेड टेकअप लिवर को उसकी उच्चतम स्थिति में उठाएं, फिर प्रेसर फुट को ऊपर उठाएं। धागे को थ्रेड गाइड के माध्यम से फेस प्लेट पर ले जाएं और धागे को पकड़े हुए धागे को इस तरह से थ्रेड टेंशन यूनिट में खींचें। इस पॉइंट पर चेक स्प्रिंग के माध्यम से धागे को खींचें, फिर धागे को थ्रेड टेकअप लिवर के माध्यम से पीछे से आगे की ओर ऊपर की ओर ले जाएं, जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, और फिर इस तरह से धागे को फेस प्लेट थ्रेड गाइड के माध्यम से पास करें। उसके बाद धागे को नीचे खींचें और उसे नीडल बार थ्रेड गाइड में खिसकाएं। अब अंतिम चरण के लिए धागे को बाएं से दाएं सुई की आंख में दाखिल करें। धागे को अपने हाथ में पकड़ें, फ्लाई व्हील को घुमाकर सुई को सुई के छेद में नीचे करें। जब तक सुई फिर से ऊपर नहीं आ जाती, तब तक चक्का यानी फ्लाई व्हील चलाते रहें। बॉबिन धागे को ऊपर खींचने के लिए सुई का धागा खींचें। ऊपरी धागे के लिए थ्रेड टेंशन को इस तरह से समायोजित करें। थ्रेड टेंशन नॉब को ढीले तनाव के लिए इस तरह से घुमाएं और टाइट थ्रेड टेंशन के लिए इस तरह। टांके के अंतिम फिनिश को निर्धारित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थ्रेड टेंशन एकदम सही होना आवश्यक है। यदि यह ढीला है तो आपको हर सिलाई में अतिरिक्त धागे का गुच्छा दिखाई देगा, जिससे यह बहुत ही भद्दा दिखेगा, और यदि यह बहुत टाइट है तो धागा टूटता रहेगा। स्टिच रेगुलेटर नॉब से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप टांके को कितना लंबा या छोटा रखना चाहते हैं। नॉब को पूरी तरह से नीचे करके आप रिवर्स स्टिच यानी उल्टी सिलाई भी कर सकते हैं। आइए अब सुई बदलना सीखते हैं। सुई को बदलने के लिए नीडल क्लैंप स्क्रू को ढीला करें और सुई को नीचे खींचें। होम सिलाई मशीनों के लिए
सुई का सिर एक तरफ से फ्लैट होता है और दूसरी तरफ से गोल होता है। मशीन में सुई को फिक्स करते समय सुनिश्चित करें कि फ्लैट साइड नीडल बार के सामने हो। अब हम शटल को साफ करना सीखेंगे। स्लाइड प्लेट उठाएं और शटल रेस में से बॉबिन केस निकाल लें। शटल को बाहर निकालने के लिए शटल रेस क्लैंप को घुमाएं। एक मुलायम कपड़े से शटल रेस को साफ करें और शटल बदल लें। शटल हुक रिंग में यहाँ एक नॉच होता है शटल रिंग को सरलता से अंदर खिसकाने के लिए। यह शटल रेस के खांचे से मैच करना जरूरी है। शटल रेस को बंद करने के लिए क्लैंप घुमाएं। बॉबिन केस को बदलें और स्लाइड प्लेट को बंद करें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, आपको सरल कामकाज के लिए समय समय पर अपनी मशीन को ऑयल लगाना होगा। एक्सेसरीज बॉक्स में एक ऑयल की बोतल दी गई है जो आपकी सिलाई मशीन के साथ आती है। जैसा कि दर्शाया गया है, हमें इन आवंटित छेदों को ऑयलिंग करना होगा। यदि यह अपनी मशीन का उपयोग सप्ताह में एक ही बार करते हैं तो उसे महीने में एक बार लुब्रिकेट करें। और यदि आप अपनी मशीन को महीने में एक ही बार उपयोग करते हैं तो हर 3 महीने में लुब्रिकेट करें। ये मशीनें ऐसे एक वारंटी में उपलब्ध है जो एक मजबूत आधार और एक कवर के साथ उपलब्ध है और यह हाथ और पैर से संचालित होता है। यह आप में से उन लोगों के लिए है जो हाथ और पैर से संचालित होने वाली उषा उमंग कंपोजिट सिलाई मशीन पसंद करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस लेसन में मजा आया होगा।